पढ़ेंगे घनमूल। और घनमूल में भी मैंने आपको गुणनखंड विधि से घनमूल करना सिखाया है। जब गुणनखंड करते थे तो हम समान संख्याओं के तीन तीन जोड़े बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड विधि से नहीं पढ़ेंगे हम लोग। किससे पढ़ेंगे? एक ट्रिक है छोटी सी, उस ट्रिक से आपको बताएंगे कितनी भी बड़ी संख्या हो आपके सामने ये जो संख्या लिखी हुई है इन संख्याओं का आंसर आपका एक सेकंड या मुश्किल से दो सेकंड में आएगा। बस आपको याद ये रखना पड़ेगा इधर आपकी संख्या लिखी हुई है और यहां क्या लिखा हुआ उनके घन लिखे हुए हैं। जीरो का घन जीरो, एक का घन एक, दो का घन आठ, तीन का घन सत्ताईस, चार का घन चौसठ, पांच का एक सौ पच्चीस, छह का दो सौ सोलह, सात का घन एक सौ चालीस, आठ का घन पांच सौ बारह और नौ का घन सात सौ उनतीस। आपको बस ये इकाइयां याद रखिएगा कि किस संख्या का घन करने पर इकाइयां आपको कौन सी संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपको ये 1331 लिखा हुआ है इसका घन करना सिखाएंगे और आंसर हमारा सिर्फ एक सेकंड में आएगा। कितनी देर में? एक सेकंड में। देखिए कैसे, कोई भी संख्या आपको दी जाएगी तो इकाई अंक से इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीन अंकों का एक पेयर बनाया जाएगा, एक जोड़ा बनाया जाएगा। तो हम जोड़ा बना लेंगे यहां से इकाई दहाई और सैकड़ा, ये तीन अंक हो गए आपका जोड़ा बन गया ये। अब इस जोड़े में इसके बाद जो संख्या बचे हमें उसका जोड़ा बन जाए तो ठीक और न बने तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ इकाई दहाई और सैकड़ा तीन अंकों का जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा बना लिया उसके बाद जो बचे उसको ऐसे लाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब यहां जो इकाई अंक है कितना है? एक इकाई अंक है। तो आपको बस ये याद रखना पड़ेगा इन संख्याओं में से कि किस संख्या का हमने वर्ग किया था, सॉरी घन किया था, तो इकाई अंक एक आया था। तो हमने एक का घन किया तो इकाई अंक कितना आया? एक। तो इन तीनों अंकों के स्थान पर रख देंगे हम लोग एक, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है? यहां पर सिर्फ एक बचा है तो एक का घन करते एक हो जाता है, लिख देंगे यहां पर एक। तो हमारा आंसर आ गया 1331 का घनमूल 11 है, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारे पास दूसरी संख्या है 1728, इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। अभी हमने आपको बताया इकाई दहाई और सैकड़ा तीन अंकों का क्या करेंगे, एक जोड़ा बना लेंगे, एक पेयर बना लेंगे। तो हमने बनाया ये पेयर बना लिया तीन अंकों का इकाई दहाई सैकड़ा। अब जो इधर जो अंक बच जाए उसको छोड़ दीजिए। इस जोड़े में इकाई अंक देखिए कितना लिखा हुआ है। अब आपको यह याद होना चाहिए कि हमने किस संख्या का घन किया था तो आठ आया था। इधर पहुंचिए, दो का घन करेंगे तो इकाई आठ हुआ यहां पर। तो इन तीनों संख्याओं के लिए हमारा अंक क्या आ जाएगा? दो। यहां लिख देंगे हम दो। अब इन तीन संख्याओं से हमारा मतलब खत्म हो गया, इन तीन संख्याओं से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बचिए आपके पास एक, तो एक का घन करते हैं एक आता तो इसका यहाँ क्या लिख लेंगे हम? एक लिख लेंगे। तो 1728 का घनमूल कितना आ गया? 12। समझ में आ गया सभी को? अब लिखा हुआ 19683। जोड़ा इकाई दहाई और सैकड़ा तीन अंकों का ही बनाना है हमको, पहले बना लिया। इधर क्या बचा? 19 बच गया, इसको अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे। अब हमें इकाई देखना कितना लिखा हुआ है? तीन। तीन लिखा है ना। अब आपको ये याद होना चाहिए कि किस संख्या का घन करेंगे तो इकाई अंक तीन मिलेगा। तो सात का घन होता है 343, सात का घन करेंगे 343 में इकाई अंक तीन मिलेगा। तो हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? सात रखेंगे, है ना, ठीक, वेरी गुड, सात रख लिया। अब यहाँ क्या बचा? 19। देखिए एक का घन एक, दो का घन आठ, ये आठ से बड़ी है, तीन का घन 27 होता है जो कि ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा हम लेते नहीं है। तो हमको क्या रखना पड़ेगा? 27 से ये छोटी है तो छोटी संख्या आठ हुई और आठ किसका घन होगा? दो का। तो यहां कितना रख लेंगे? दो रख लेंगे, ठीक है। पेयर बनाना, पहले इकाई दहाई और सैकड़ा तीन अंकों का बना लिया इधर से, और दो के इधर रह गए, बने रहने दीजिए। यहां लिखा हुआ है कितना? दो। तो हम जानते हैं आठ का जब घन करते हैं 512 आता है, इकाई दो अंक मिलेगा कहां पर? जब हम आठ का घन करते हैं 512 इकाई दो मिला, तो इन तीन अंकों के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे? आठ, क्योंकि आठ का घन करने पर 512 आया था, इकाई दो मिलेगा। तो यहां लिख लिया हमने आठ।
अब बचा आपके पास कितना 21। तो एक ऐसी संख्या दिमाग में सोचिए जिसका घन 21 से ज्यादा ना हो। तो आप जानते हैं 3 का घन 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का घन 8 हुआ। हमें इससे कम घन वाली संख्या रखनी है, तो 2 का घन 8, 3 का घन 27 ज्यादा होगा, तो 27 ले लेंगे 2, 8 के लिए 2, तो ये हो गया 28 का घन। इसका घनफल कितना आ गया 28। क्लियर है सभी को? कर लेंगे सभी बच्चे। अब देखिए थोड़ी और बड़ी संख्या आ गई हमारे पास, पेयर बनाना हमने शुरू किया, एक पेयर बन गया। हमें पहले पेयर से ही कुल मिला के शुरुआत में मतलब है, अगला पेयर बना दिया। कितना लिखा हुआ है? एक आई एम यूनिट डिजिट आपका 7 है, 7 है, तो 3 का घन 27 होता है। 3 का घन करेंगे तो इकाई का आपको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। देखा, 3 का घन 27, इकाई के यहाँ 7 मिल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? 3 ले लेंगे। हमने लिख लिया 3, ठीक है। 3 लिखने के बाद अब आपके पास बचा 571। अब आप यहां देखिए 8 का घन कितना हुआ? 512। और ये 571 है, 512 से ज्यादा है। और 9 का घन कितना हुआ? 729। अब ये संख्या 729 जो है इससे बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या तो हम लेते नहीं है, तो 8 का घन कितना हुआ? 512। और 6 के लिए क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 का घन होता है 216, और 216 का इकाई कितना होता है? यूनिट डिजिट 6 होता है। तो इन तीन अंकों के स्थान पर हमने लिख लिया 6, ठीक है। अब बचा आपके पास 884। अभी आपको बताया था 9 का घन कितना होता है? 729, और 10 का 1000 ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हमें नहीं लिख रहे हैं, किसी भी कीमत पर बराबर हो या छोटा रह जाए, कम हो जाए, तो क्या लिखेंगे आप? 9, ठीक है। अगली संख्या आपकी है, इसमें फिर से पेयर बना लिया और इधर बचा हुआ पेयर बना लिया, इकाई कितना है आपका? 7। किस संख्या का घन करने पर इकाई को उसने घन कर दिया? 3 का घन होता है 27, और इकाई को उसमें कितना मिलता हमको? 7। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3। 3 अंकों के स्थान पर 3 आ जाएगा आपका। बचे आपके पास 250। एक ऐसी संख्या जिसका घन करे 250 से ज्यादा ना हो, कम रहे या बराबर आए, तो कौन संख्या है? 6 का घन होता 216, 7 का 343, 250 से बड़ी संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा नहीं करने, 7 की घन ज्यादा है, तो 6 का घन कितना होगा? 216। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6। इसकी जगह पर